अभी हम लोग निकले हैं डिनर के लिए, सोच रहे हैं गालिब चले जाएं, उसके बाद कहीं अच्छी सी जगह यार कोई आइसक्रीम वगैरह खाएंगे, वहाँ कोई डेजर्ट नहीं मंगवाना चाहिए। ठीक है तो अभी निकलते हैं, देखते हैं क्या होता है। सुना है वहाँ वेटिंग बहुत होती है, हमने कॉल करके ट्राई किया कि बुक कर लें, रिजर्व कर लें, तो उन्होंने कहा नहीं हम ऑन कॉल रिजर्वेशन नहीं कर रहे। तो देखें क्या होता है वहाँ पहुँच के। वहाँ पहुँच के जी, तो यहाँ हम गालिब पहुँच गए थे। इनका एम्बियंस अच्छा था, इन्होंने ओपन एयर था इसलिए कुछ हीटर्स भी लगा रखे थे, लेकिन वही जैसे कि हसब मामूल बहुत ज़्यादा वेटिंग थी। तो वहाँ जाके हमें ये एक छोटे से वेटिंग रूम एरिया था, इनका रूम तो नहीं है, इधर बिठा दिया था। इधर ये कोट वाले अंकल आते थे और जिसका भी नंबर आ जाता था उसको बुलाते थे। शदीद इंतज़ार के बाद हमारे पास मेन्यू आखिरकार आ गया था, हमें जगह मिल गई थी आखिर को। मेन्यू में इनके पास काफ़ी चीज़ें थीं तो हमने इस मेन्यू में से सिलेक्ट किया था इनकी मीठी पूरी एंड फिश एंड चिप्स एज स्टार्टर, और फिर हमने मेन कोर्स में बीफ बिहारी बोटी एंड बीफ फ्राई कबाब मंगवाए थे। मेन्यू में इनके पास काफ़ी चीज़ें थीं, सब कुछ था मेन्यू में। इन्होंने थोड़ा गालिब का टच देने के लिए जगह जगह गालिब के अशार भी लिखे हुए थे, जैसे लास्ट में इन्होंने लिखा था कि हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़ बयां। और यहाँ हमारा ऑर्डर प्लेस हो रहा था, यानी अभी हमारे लिए खाने में मज़ीद इंतज़ार था। Few moments later. Hi. बहुत गर्म हो रहा है, लग नहीं रहा था कितना गर्म, लेकिन इनके फिश एंड चिप्स अच्छे लग रहे हैं। फिर चिप्स ये आई थी हमारी मीठी पूरी, यानी मीठी पूरी ये गोलगप्पे को ही कह रहे थे, बस उसमें मीठी चटनी थी इसलिए ये मीठी पूरी। इसकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी, लास्ट क्लिप से अंदाज़ा हो गया होगा आपको कि शोर की वजह से हमने इसको वॉइस ओवर कर दिया, तो इसे देख के मुझसे बिल्कुल भी अंदाज़ा सब्र नहीं हुआ और इसका अंदाज़ा हो रहा होगा कि मैंने फिश छोड़ के मीठी पूरी खानी शुरू कर दी थी। और ये वाकई बहुत अच्छी थी, ये वाहिद चीज़ थी जो मुझे वहाँ पर पसंद आई थी। आखिरकार हमारा ऑर्डर हम तक आ ही गया था। तो ये था हमारा मेन कोर्स जिसमें हमने ऑर्डर किया था बीफ बिहारी कबाब, आई थिंक बूटी, और साथ में बीफ फ्राई कबाब। तो ये थी बीफ बिहारी बोटी, तो ये कदर बेहतर थी। और ये थे हमारे बीफ फ्राई कबाब, शोर बहुत था इसलिए ऐसे दिखाना पड़ा। तो ये बीफ बिहारी बोटी इन्होंने ट्राई की थी और इन्होंने कहा था कि ये अच्छी है, और बीफ बिहारी नहीं बीफ फ्राई कबाब जो थे वो मैंने ट्राई किए थे। और यानी इसके लिए मैं क्या कहूँ, मैं यही बस एक सिंपल एक ही सेंटेंस में बता सकती हूँ कि अगर किसी को भी फ्राई कबाब खाने हैं बीफ के, तो वो कहीं भी खाने से बेहतर है कि बंदा वहीद से खा ले। इसके अलावा तो यानी बस ये सोसो थे, यानी अगर किसी ने फहीद के नहीं खाए हैं तो शायद मे भी उसको अच्छे लग जाएं, लेकिन मुझे ये कोई ख़ास पसंद नहीं आए थे। हाँ रायते की प्रेजेंटेशन इनकी बहुत अच्छी थी, और ये वाहिद चीज़ थी जिसकी वजह से ना मैं ये बिहारी बूटी और बीफ बिहारी कबाब जो है वो खा रही थी। हाँ इनकी ड्रिंक्स अच्छी थी। आगे कहाँ से, गालिब से डिनर करके मुझे पर्सनली इतना कोई ख़ास नहीं लगा। हाँ मीठी पूरी अच्छी थी उनकी, और बीफ बिहारी बोटी अच्छी थी, बाकी तो बस नॉर्मल ही था खाना, कोई इतना टेस्ट अच्छा नहीं था कि बहुत ज़्यादा, यानी अगर मुझे कोई कहे कि दोबारा गालिब चलो तो मैं तो नहीं जाऊँगी। और दूसरा ये कि चार्जेस उनके वैसे हैं जैसे बड़ी बहुत हाई फाई जगह बड़ी अच्छे, लेकिन इधर से कुर्सी खींच उसको बिठा, उधर से टेबल खींच उसको बिठा,
एक अजीब, यानी कोई इसके कंपैरिजन में जो हम कोकोनट ग्रूव गए थे या आला राही गए थे, तो ये ज़्यादा बेटर है, इनसे बेहतर तो अगर जाके इस मैनेजमेंट के हवाले, और अगर इतना ही पे करना है तो फिर बंदा उधर ही दे देना। इनके रेट ऑलमोस्ट वही हैं, उससे ज्यादा ही मुझे तो शायद लगे, नहीं बराबर ही है, सब जगह इतना ही बनता है, ये 5000 के आसपास ही बनता है इन सब जगहों पे हम दो लोगों का। तो वो फिर बंदा यही है कि वहाँ जाए कि तकरीबन कम से कम अच्छा तो लगे, दिल तो खुश हो। और इतना ओवर क्राउडेड का मुझे तो घबराहट होने लगी भाई, लोगों को देख देख के बहुत ज्यादा ओवर क्राउडेड। वो टेस्ट की वजह से तो अगर है तो फिर बेकार है, टेस्ट इतना कोई खास नहीं, बस सही है, नॉर्मल है।